और 2004 में जो है मेरे पास एक ईमेल आई टीच वेब रीजन डन प्रोग्रामिंग दो किसम की होती, होती, होती. Right. Right. एक है ओपन सोर्स होती है ओपन सोर्स इज पब्लिकली अवेलेबल ए का अपना एक स्केयर है पर जितना बड़ा हाइप हमने ए को बना दिया है right. उतना बड़ा वो है नहीं बहुत सारे लोगों की स्ट्रेंथ्स होती है वर्ड right. पिविटिंग

हम लोग ने बहुत ज्यादा काम एक जमाने में PHP में किया है बट अब जो हम कर रहे हैं वो ज्यादातर Node में कर रहे हैं ChatGPT में जाएं या Bard में जाएं और उसको बोलें कि write me the code for फ़लाना फ़लाना in Python it's not that easy जैसा नहीं होता you would believe like ये तो आपको कहीं से मिल जाता it's not that easy तो जब हम कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं हम नेटवर्किंग करते हैं keep ourselves updated development they really scare me बट आई डों आई इ लॉट ऑफ हाई अराउंड कम हुई है अगर कुछ हुई है तो बड़ी है आपने खुद कभी शायद कोई नहीं बनाई थी उसे वो मैंने ही बनाई थी तो आपने बनाई थी ठीक है गुड असल एंड वेलकम टू स्टार पाकिस्तान पॉडकास्ट मैं हूँ आपका मेज़बान अदील अज़हर और भाई इस प्लेटफॉर्म पे बड़े ज़बरदस्त लोगों के साथ हमारी गुफ्तु हो रही है बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है दीज आर द रियल लाइफ के स्टडीज़ जो कि आपको कम अज़ कम पाकिस्तानी बिजनसेस के हवाले से पाकिस्तानी बिजनस मैन एंड बिजनस वुमेन के हवाले से शायद किताबों में ना मिलती हो सो हमारी कोशिश भी ये होती है दर इज़ लर्निंग फॉर एवरी वन इन दिस कॉन्वर्जेसन आज भी जिस इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे हमारे जो मेहमान आज मौजूद हैं हमारे स्टूडियो uh, में uh, उनका ताल्लुक भी टेक इंडस्ट्री से है उनका ताल्लुक भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से है टू बी स्पेसिफिक दिस इज़ वन टॉपिक दैट आई रियली लव टॉकिंग अबाउट बिकॉज कुछ सयाणे ये बात कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को वाकई तरक्की करनी है दैन दिस इज़ द वे आउट ना कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना बाहर से कोई प्लान बनवाना पड़ता है मंगवाना पड़ता है ना कोई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है ना सस्ती गैस चाहिए होती है एक कंप्यूटर चाहिए होता है एक प्रोग्रामर चाहिए गुड इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान शमीम राजनीक शमीम वाले शमीम इज द फाउंडर एंड सी ओ ओफ जेनेटिकॉट द नेम राइट दिसम शमीम uh, uh, इसके अलावा हम कोर्ट uh, गर्ल्स के हवाले से भी बात करेंगे आगे चल के इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव बट लेट्स स्टार्ट विद जेनेटिक फर्स्ट अस अबाउट द स्केल ऑफ योर कंपनी कितने लोग काम कर रहे हैं और व्हाट आर योर मेन मार्केट्स श्योर थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जेनेटिक सोल्यूशन इज ए टेक्नोलॉजी कंपनी एंड वी बिल्ड एंड टू एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसिस अक्रॉस द ग्लोब तो अगर कोई बिज़नेस जो है वो यू एस में है प्राइमरीली हमारा क्योंकि कस्टमर फुटप्रिंट जो है वो यू एस मार्केट है और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है तो यू एस एंड कैनाडा तो अगर कोई कस्टमर जो है वो कोई कस्टम डेवलपमेंट करवाना चाहता है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर कस्टम डेवलप लेगेसी सिस्टम को अपग्रेड uh, करवाना चाहता है कोई वेबसाइट बनवाना चाहता है कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कस्टमाइज बनवाना चाहता है सो दैर इज़ वे वी कम इन एंड वी बिकम द टेक्नोलॉजी पार्टनर वी होल्ड हैंड्स एंड लुक आफ्टर द टेक्नोलॉजी So, they can focus on their core business. Mm -hmm. We've been around for um, around over 17 years now. And uh, we have presence in four cities, mm -hmm. uh, out of which three are in Pakistan. So, we're in Karachi, Islamabad, and Jamshoro. And in the US, we are in Detroit. And we are um, we just registered in Toronto as well. All so, right. that would be the fifth city on our um, um, you know um, radar. We are pretty industry agnostic. तकरीबन सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं लेकिन ओवर द इयर्स जो हमने सीखा है जिन इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा उसमें वी वी से दैट वी आर अप्रिटी गुड इन लॉजिस्टिक्स हॉस्पिटैलिटी हेल्थ केयर एटेक एंड जस्ट रिसेंटली फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स इन फिनटेक टीम साइज हमारी अच्छी रिस्पेक्टेबल है वी आर हंड्रेड एंड एट एनी गिवन टाइम लाइक आई सेट स्प्रेड ओवर फोर डिफरेंट सिटीज़

point is if right from the time of asp all the way to what is what there is today so one mm -hmm. of the things that you i guess you learn in uh, the technology domain is you just cannot stop absolutely and please pardon my ignorance on that ये source, uh, coding, ये ओपन ओपन सोर्स सोर्स कोडिंग प्रोग्रामिंग क्या होती है तो प्रोग्रामिंग दो होती, एक होती है, होती, right. okay. तो वो उसको आपको उसका लाइसेंस आपको खरीदना पड़ता है ओपन इज पब्लिकली अवेलेबल तो आपको उसका लाइसेंस नहीं खरीदना पड़ता आप उसको डाउनलोड करें उस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करें चीक. जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं यूएस यूरोप वगैरह जो uh, Uh, काम आउटसोर्स करते हैं वो काम आउटसोर्स दो रीजन की वजह से करते हैं एक तो ये कि उनको वहाँ पे टैलेंट बहुत महंगा मिलता है और दूसरा ये कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर को भी अवॉइड करना चाहते हैं तो वो कॉस्ट नीचे लाना चाहते हैं okay. तो जो ज़्यादातर काम सब कॉन्टीनेंट आता है या जो ज़्यादातर काम आउटसोर्स होता है वो अक्सर कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो ओपन सोर्स पर बना लें ताकि हमें और सस्ता पड़ जाए और इसकी कम्युनिटीज़ भी बहुत बड़ी हैं सो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी चीज़ में फंस जाती हूँ तो आई एम श्योर दर्ज अ कम्युनिटी आउट देर दैट विल हेल्प मी आउट कम्युनिटीज बहुत स्ट्रॉग होती हैं इसकी सो व्हाट इज़ योर फेवरेट ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म दैट यू वर्क ऑन हम लोग ने बहुत ज़्यादा काम एक ज़माने में पी में किया है बट अब जो हम कर रहे हैं वो ज़्यादातर नोड में कर रहे हैं okay. बहुत रिसेंटली हम जो है बहुत सारे जे फ्रेमवर्क्स हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वगैरह उस पर भी काम कर रहे हैं सो so, फेवरेट कुछ नहीं होता right. जो डिमांड होती है बस उस पर काम होता है ठीक एंड सो इसका मतलब तो ये कि जो आप भी माशाल्लाह जानती होंगी इन सब चीज़ों को और वो जो 110 सौ

Mm -hmm. दो चीज़ें हैं एक तो ये कि जिस फॉर एग्जांपल 2017 में जब ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा बूम था आई गॉट माय सेल्फ ट्रेंड ऑन ब्लॉकचेन। आई केम बैक होम एंड आई सेड सेट लेट्स ट्रेन आवर टीम्स सिमिलरली अभी जो है जब हम गए थे तो वी वी वी, वी सॉ दैट गो फ्रेमवर्क यूरोपियन मार्केट में बहुत इन है सो वी केम बैक होम एंड वी सेड लेट्स ट्रेन सम पीपल ऑन गो फ्रेम लेट्स ट्रेन समन सेल्स फोर्स जो ही मार्केट की डिमांड है See. हमारी एक um, Lucky, we also have a tech training incubator okay. uh, by the name of Consulnet. तो जो हमें ट्रेनिंग्स करानी होती है वो हम कंसलेंट के थ्रू अपनी टीम को भी कराते हैं पब्लिक को भी करा लेते हैं उसमें जो हमारे लोग होते हैं वो भी ट्रेन हो जाते हैं कुछ पब्लिक भी कोडिंग का yeah, yeah. so will... right. uh, उसमें हमारी रिक्वायरमेंट कंसलेंट में हम ये उन चीजों पे करवाते हैं जिसमें हमारी अपनी रिक्वायरमेंट होती है तो फिर हम उसको पब्लिक के लिए भी ओपन कर देते हैं अपनी टीम के लिए भी आपकी कंपनी की हम बात कर रहे थे आपने बताया माशा आप टोरोंटो में भी स्टार्ट कर रही हैं बिजनेस सो दिस इज प्योरली एन एक्विजिशन चैनल दैट आर क्रिएटिंग जी Canada में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वहाँ से काम लेकर पाकिस्तान लाएंगे ऐसा ही है अभी नहीं करने बट इवेंचुअली डाउन द लाइन दैर इज द प्लान कि कुछ लोग वहाँ पे भी हायर करेंगे क्योंकि डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ इंडस्ट्री यू वर्किंग विद समाइम्स मार्केटिंग पीपल आर ओके टू हायर and right. have there but sometimes you also need a couple of lead developers Cheek. so we'll see how that goes but abi initially it's just about acquisition all right so aapne detroit ka bhi naam liya so detroit is where the motor industry america ki based hai so do you have your motor clients there ya unke sath kaam kar rahe honestly batau <laughs> detroit mein hamara koi customer nahi acha koi bhi nahi hai customer humara zyada tar customer jo hai west coast pe okay na, we primarily work with um, uh, uh, san francisco okay and uh, washington So, so why the real estate is cheaper in Detroit? No, I am mean, yeah. no, no, no. We, we have a house in Detroit, so, so it's, easier have, yeah, yeah, it's, it's easier to have. sense. Yeah, it's easier to go sit there and right. then you know uh, rotate around right. a couple of states, jump around a couple of states, right. go to Toronto, to Canada. Right. Be easy, it's easier.

मौाक़े आ जाते हैं जिसमें वाकई शायद आपको लगता नहीं है कि यह कोई इतनी क्रिटिकल चीज़ होगी बट दैट रियली चेंजेज़ द कोर्स ऑफ योर लाइफ मे बी सम टाइम फेलिंग अ एडमिशन टेस्ट आपको ऐसा लगता है कि दुनिया आपकी तबाह हो गई लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए एक प्लान सोचा हुआ होता है आपके पास भी सुना एक ई मेल आई थी जो कि आप समझती थी स्पैम ईमेल है लेकिन दैट रियली चेंज द वे वॉट शमीम राजानी इज डूइंग नाउ टेल अस अबाउट दैट ई मेल शमीम सो यह आपसे दो हज़ार चार में हम कंसल्टेंट चला रहे थे सो आई है ट्रेनिंग यूथ प्राइमरली फ्राम द मार्जनलाइज कम्यूनिटीज़ तो मेरे अबा की ये ख्वाहिश हमेशा से रही है कि जी पढ़ाएँ टेक्नोलॉजी पढ़ाएँ तो हम दो नाइनटीन नाइनटी एट से पढ़ा रहे थे आई वॉज वन ऑफ़ दीड ट्रेनर्स और दो हज़ार चार में जो है मेरे पास एक ई मेल आई सो आई सू टीच वेब डिज़ाइनिंग एंड एच डी एम एल एंड सी एस एस in ऑल दैट इन इन दैट एरा तो मेरे पास एक ई मेल आई दो हज़ार चार में ऑस्टिन की ऑस्टिन वोल्टर वॉज हिज नेम उसने कहा जी मैंने एक वेबसाइट बनानी है आप हमें बना देंगी तो लाइक यू सेड यू नो आई थॉट इट वॉज स्पैम एंड मैंने पहले इसको स्पैम कंसिडर किया फिर मैंने कहा चले यार्ले विद दिस सो आई टोलिम के हाँ जी बना देंगे मैं सौ डॉलर चार्ज करूँगी सौ तो डॉलर डौल ऐसे ही ऐसे ही ऐसे हवा में से निकाल अगर आप पाँच सौ बोल दे रही हैं सोचा कभी बाद में <laughs> नहीं, 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 कभी नहीं, सोचा. नहीं नहीं सोचा ऐसा नहीं सोचा आई थिंक दैट दैट्स इन द मोमेंट तो जो है ऑस्टन um, ने मुझे पैसे भेज दिए और उसने अपफ्रंट पैसे भेज दिए ना लाइक वाह So, पाकिस्तान के पाकिस्तानी के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है ना कि कोई आप पे ट्रस्ट कर ले नहीं तो, और आप तो 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 भेज दे। लेकिन आपको उसने oh, okay. 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 we पहले वो मैंने क्या? ही बनाई थी उसके अलावा भी बनाई थी लेकिन वो क्योंकि पढ़ाते ही वेब डेवलपमेंट थे फिर मैंने उसको पांच दिन में बना के दे दी एक वेबसाइट प्योर वाज टी एम उस जमाने में तो कोई फ्रेमवर्क नहीं होता था

For, for, for eight of those years, Austin never knew I was a woman. Oh. so once he called me because he had an issue and I was in my kitchen doing something, I picked up the phone and I said, said Can I can I speak with Sham? I said, Yeah, Sham speaking. I was like, and he just is this Sham? I said, Yeah. And he he started laughing so hard. He was uh -huh. like, You're a woman? I was like, Yes, I'm a woman. What's wrong with that, Austin? <laughs> he was like, I never knew, nothing's wrong with that, but I never knew. So yeah. मुझे कहता है कि ये जो आप हर जगह जो है वो मेरी स्टोरी बताती ah. रहती हैं तो आप मुझे भी कुछ कमीशन दे राइट बुलाए इनवाइट करें हॉस्टन कभी आ से ट्रेनिंग शुरू की आपने कंप्यूटर की तो ऑनेस्ट बताइए बिल्कुल सीरियस आपको क्या लगता था फर्स्ट जनवरी टू को क्या होगा वाई टू के आई न्यू दैट

पाकिस्तान मिस द को इंडिया ने वो वाई टू कैश किया वो हमने कुछ नहीं कर पाया बहुत कम कर पाए हमें तो पता ही नहीं था कि जी, नहीं। होता अच्छा, अच्छा हाँ जी, हाँ जी, कर लिया। आप, मुझे नहीं पता आपको अच्छा हाँ, गवर्नमेंट की थी चले चले कोई बात नहीं ऐसे थोड़ा सा इंटरनेट जो वेब पे यूट्यूबी सी लीवे मिल जाता है लेकिन आप कहना यही चाह रही है की हमारी लथाजी रह गए So, even though हमारे पास I think that the workforce was at least some amount of workforce was already there right we, uh, we knew that this was coming and there could be work here if the government was able to pick up on that at si. that time right so uh, थोड़ी देर पहले मैं बात भी कर रहा था कि कोई एक particular exam life में मैं fail हो जाना ना उससे ज़िंदगी का course बिल्कुल direction बदल जाती है so I failed my Ghulam गुलाम साहब इंस्टीट्यूट test And after that, I got into IBA. And I often wonder, is I would have become a pathetic engineer, by the way. So, thank God, I failed that test. You also wanted to appear for some other field, right? What was that? MBBS. MBBS. I and right? I was very sick that night. Oh. I had very high fever. So, I missed that test. Right. And... Uh,

डॉक्टर ही होती काश अल्लाह ये क्या हुआ मेरे साथ कभी ये ये फीलिंग नहीं नहीं आई वाली फीलिंग नहीं आई कि कभी वो जितना okay. ज़्यादा स्ट्रेस आता है उस वक्त uh, जैसी बात है एवरीबडी फील्स द प्रेशर बट उसके बाद इट फील्स वेरी नॉर्मल एंड वैन यू अ वेरी गुड टीम आई प्रेशर आता है करते हैं, hmm. और जो है साथ में मिलकर काम करते हैं

माई सन इज़ क्रिएटिव और वो हिस्ट्री और एंथ्रोपालॉजी कर रहा है और अभी गेम डिजाइन आजकल गेम डिजाइन में ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड सो इज बिन डूइंग अ कपल ऑफ इंटर्नशिप्स एंड ही इज डिजाइन लाइक कंप्यूटर गेम गेम डिजाइन या एंड अ गेम डिजाइन सो इट्स नॉट गेम डेव

पता है ना आपको अच्छा <laughs> वो इंतवी निशान है अच्छा मुझे नहीं पता अच्छा तो आई मीन गार्डनिंग इज वेरी रिफ्रेशिंग वैसे यस yes, आपको बहुत रिलैक्स कर देता है uh -huh. ये, ये इस तरह की चीज है सो व्हेन यू वांट स्पेशली व्हेन ड्यूरिंग कोरोना वाज वाज वेरी गुड इट वाज रियली गुड सम ऑफ कपल ऑफ थिंग्स दैट आई लर्न ड्यूरिंग कोरोना वन ऑफ देम वाज गार्डनिंग द अदर वाज आई वाज कौन सा हॉलो पे थी लीड बेस क्या प्ले करना चाह रही थी यूकेलेली था मेरे बेटे के पास तो मैं बस वो मुझे सिखा रहा होता था मैं सीख रही होती थी ये भी ऑनलाइन सीख रही थी आप या कोई टीचर आ, आ रहा था मेरा बेटा सिखा रहा था पहले okay. तो मुझे उसके बाद फिर मैं ऑनलाइन सीख आप ज्यादा अच्छा बजाते हैं ठीक बजा दैट्स दैट्स वेरी नाइस दैट्स वेरी नाइस सो दिस इज दिस इज दिस इट्स अ वेरी गुड स्टोरी एंड इट्स लाइक सो शमीम ये बात भी आती है ना कि अक्सर

सो एंड देन ऑल्सो पैसे कोई नहीं थे बस एक प्रिवलेज ये था कि जो कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमने चलाया हुआ था उसमें जगह थी राइट तो व्हेन आई डेड फ्री आई गॉट दिस फर्स्ट प्रोजेक्ट इन थॉट ऑफ स्टार्टिंग समथिंग ऑन माय ओन केम एंड आई स्टार्टेड फ्री लांसिंग एट दैट पॉइंट तो मैंने अब्बा से कहा कि मुझे ना ये जो खाली कमरा है वो दे दें और हमें चार कुर्सियाँ दे दें और उसके बाद आपकी लैब जिस वक्त फारग हो ना तीन से छः बजे तक फारिग होती थी वो मुझे तीन घंटे दे दें सही। तो वो उन्होंने दे दी और उन्हीं के ट्रेनर्स मैंने उठाए वो जो फारग होते थे उनको मैं बिठा देती थी चलो बेटा यार ये बना के दो सो दैट वॉज द प्रिवेज फॉर श्योर टू ईयर्स वी ब्रोकी वन इन टू ईयर्स ओके So uh, it took us two years, but uh, we broke even in two years. In the third year, we're making profit. So I think that is one of my mantras also. I tell people that if you break even in two years, yes. I think that's a good um, uh, sign that you might mm -hmm. just succeed. The business is here to stay. And I think one of the other things that I also learned is that um, you have to take risks. You cannot be risk aversive when you're doing a business. So mm -hmm. If I was the only bread earner in the family, I don't think I would have succeeded as, as a businesswoman. Mm -hmm. At least, कि यहाँ से जो पैसे आने उससे किसी को, को भला नहीं होना सही. मतलब घर नहीं चलना right. वो चल रहा है ठीक सो आई थिंक दैट हेल्प मी अलॉट बिकॉज आई ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी टू मैं वो डरते बहुत जब okay. डरेंगे तो फिर तो या, या तो डरेंगे और mm. या फिर इन्वेस्टर के पैसे का इंतजार करेंगे आई mm. थिंक दोनों चीज़ें जो है वो आपके बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है

जिंदगी भर की कमाई इस बिजनेस में लगाने जा रहा हूँ फियर इज नेचुरल देयर हाउ टू ओवरकम दैट आज कल ऑनेस्टली जितने इनक्यूबेटर स्पेसेस खुल गए हैं ये जो जो चीज़ें मुझे उस वक्त मिली थी मेरे अब्बा ने दी थी mm -hmm. आज इंक्यूबेटर्स उनको दे देते हैं हमसे ज़्यादा है। दे देते हैं वो वो तो उनको वो नेटवर्क भी दे देते दे हैं दे 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 जो हमें नहीं मिला था ठीक। वो तो उनको मेंटरिंग भी दे देते दे हैं दे दे जो हमें नहीं मिली थी सो आई फील दैट देयर इज़ अपॉर्चुनिटी आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीवन कैन बी रिस्क एवरसिव

यू नो इफ दो साल का होना चाहिए दो साल में अगर आप ब्रेक इवन नहीं करते ना तो फिर यू नीड टू री थिंक योर योर प्रोसेस योर आइडिया कि यार ये चल रहा है चार साल तीन साल इज़ अ लॉन्ग टाइम बहुत आपने बस मिस कर दी उसके बाद तो राइट ठीक है और एक और चीज़ भी मैंने आजकल स्टार्टअप्स में देखी है कुछ स्टार्टअप्स में मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ स्टार्टअप्स हैं दे वेरी uh, हम लोग ना वी 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 समाइम्स वी सोट ऑफ लाइक Overdo the word pivoting. Hmm. Uh, wo what does the word pivoting? Mean? Pivoting basically means to change your idea based on, oh. you know, uh, uh, just a first We are repivoting ourselves. We are pivoting ourselves. Oh, ourselves right? So, mm -hmm. uh, pivoting is not a bad idea. Right. Some of the startups, you know, that they've actually done really good during COVID because they pivoted very quickly. right? true. Right? Yeah, is a good example. Exactly. Yes. <laughs> uh, at least to start with it was a good example. Okay. But but the transport quick commerce that was a good we idea. To, we have to give them Absolutely. that. Um, but if you pivot in six months hmm. to eight months, I don't think that's a good idea. I think okay. you can you not can you, can't, you can't say I'm not pivoting, I'm just refining my business model when you're clearly pivoting. You have to give an idea two years. That is hmm. what I feel, I, yeah. I see. सो so ये, ये, ये ये जो बात जस्ट टू समराइज एंड शी सेट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप नए स्टार्ट बिजनेस स्टार्टअप में जाना चाहते हैं कि अपने कैपिटल में उस अमाउंट को भी इन्वॉल्व करें कि यार डेढ़ साल दो साल तक अपना किचन चला सको बिकॉज जब भूख लगती है तो सारे प्लान्स चॉपअट हो जाते हैं पीपल डू गिव अप इन अपन सो ये पैसा अपने पास रखें और फिर उस बिज़नेस में जो है वो कूदें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस सो शमीम आर यू मैंटरिंग बिजनेस आपने मैंशन किया था सो वट सॉर्ट ऑफ़ स्टार्टअप्स आर यू मैंटेंग क्या जेनेटिक के अंदर भी कुछ आप लोग एक हमने अपने बिजनेस मैनेजमेंट के टाइम पे एक इंटरप्रेनोर इंटरप्रन्योरशिप का कॉन्सेप्ट सुना था कि कंपनियों के अंदर एक ऑन्टरप्रनोरियल कल्चर डेवलप किया जाता है उससे स्टार्टअप्स फूट हैं मुख्तलिफ सो वाट सॉर्ट ऑफ मॉडल डू यू वर्क ऑन बाहर जाके बच्चों को आप मैंटोर कर रही हैं या अपनी कंपनी में भी कोई इस तरह का इन्वायरमेंट है नहीं अभी हमने अपनी कंपनी में ऐसा कुछ नहीं स्टार्ट किया लेकिन बाहर सो आई आई डू अलाट ऑफ वर्क विद एन आई सी

कि हमने एक रिसर्च लैब खोली है विच इज़ कॉल्ड जेनेटिक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ लैब गेट लैब कहते हैं हम उसको इट्स कॉल्ड गेट लैब जहाँ पे हम ये देखते हैं हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट है वो ये है कि हम कैसे uh, कोई भी प्रोडक्ट uh, जो हम अपने कस्टमर के लिए बना रहे हैं हाउ डू वी मेक इट ए आई सो हाउ डू वी यूज़ ए आई टूल्स टू deliver faster and better products to our customers. So right. that's the bottom line. How do we give that, uh, you know, a flexibility that is to our customers that this product will be और अच्छी भी बनेगी और सस्ती भी बनेगी बिकॉज वो जल्दी बन जाएगी सो yes. so, उस उस उसके लिए अपने इंटर डिपार्टमेंट वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस डिफरेंट टूल्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द कंपनी इंक्लूड नॉट जस्ट डेवलपमेंट बट ऑल्सो एस क्यू ए कॉन्टेंट डिज़ाइन के ऐसे कौन से ए आई टूल्स हैं जिसको यूज़ करते हुए वो अपने प्रोसेसिस को मोर एक्यूरेट एंड फास्टर बना सकते हैव योर क्लाइंट्स उन्होंने क्या डिमांड करना शुरू कर दिया अब ए आई रिलेटेड चीज़ें या आप लोग थिंकिंग अहेड कि आगे ये रिक्वायरमेंट्स आएंगी ऑनेस्टली इट्स वेरी कॉमिकल कि आज से एक साल पहले डिमांड कर रहे थे जब एकदम बूम आया था अब Charging अब कोई नहीं अब कोई, कोई नहीं डिमांड कर रहा oh. लेकिन अब वी वी जस्ट वेरी माइंडफुल ऑफ द होल ऑल थिंग वी वॉन्ट मेक श्योर देट वी आर हेड ऑफ द गेम लेकिन हाँ आठ से छः आठ महीने पहले उन्होंने कुछ क्लाइंट्स ने कहा था uh -huh. कि कोई ऐसी चीज है जो इसको बट आई थिंक देर इज सो मच मिस इन्फॉर्मेशन इन द इको

ये तो जॉब चली गई ना किसी ये सवाल मैंने अपने गेट लैब के लीड से पूछा था right. कि यार हम ये क्यों नहीं कर लेते क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा था क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से कोडिंग नहीं करी मुझे तो मैं तो सिर्फ सुन रही हूँ right. तो that, oh, oh. like, hey, तो आपको कहीं से ही मिल जाता इट्स नॉट दैट ईजी वेयर इट हेल्प्स यू इज दैट जहाँ पे रिपिटेटिव टास्क होते हैं okay. तो वो तो वो कर लेता है ठीक है सो अगर आपको कोई जूनियर को रिप्लेस करना है तो आप कर सकते हो ठीक है लेकिन कोई मिड लेवल या सीनियर नहीं आप रिप्लेस okay. कर सकते बिकॉज जहाँ पे लॉजिक या कस्टमाइजेशन आती है वो तो आपने उसी से करवानी तो पॉइंट इज़ के वी डिड नॉट वी आवर टीम इज़ वेयर इट इज़ वॉट हैज़ हैपनड इज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई क्रड बनाना है ठीक है क्रड इज़ वेयर यू बेसिकली इसे एक फॉर्म बनाना है जिसमें आपने डेटा डालना है ठीक है ठीक है और आपको पता है एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे क्रड्स होते हैं जहाँ पे आपने कहा कि जी यहाँ पे एंट्री करें यहाँ पे ठीक. ये आप दे दें एआई को वो बना के आपको दे देगा, दे देगा. अब वो आपको स्टैंडर्ड बना के देगा ना अब आपने उसको इनकॉर्पोरेट करना है अपने सॉफ्टवेयर में तो देर इज सम क्लीनिंग अप यू हैव टू मेक श्योर दैट लॉजिकली आप उसको सॉफ्टवेयर hmm. में किस तरीके से लगाते हैं आई थिंक दैट्स द सिंपलेस्ट टर्म दैट आई कैन टेल यू दैट एक मिड लेवल डेवलपर बनने के लिए आपको पहले एक जूनियर डेवलपर ही होना पड़ता है वो जूनियर वाली स्टेज तो ए uh, ले, ले लेगा अब मिड लेवल डायरेक्टली कैसे ला बैठाएंगे लोग आई आई एम फिर कॉन्फिडेंट की इतना आसान नहीं है देखें uh, आपको साल दो साल शायद लगेंगे um, थोड़ा सा आपको यू नो यू सी द्राफ गो डाउन एंड कम बैक अप द रीजन बींग जब इंटरनेट आया था तो पीपल फेल दैट दिस इज लाइक ओ मैन दिस इज डन डन एंड डस्ट इट राइट सो जॉब चली जाएंगी और यू नो बट वट है

एक अनसर्टिनटी तो है शमीम फ्यूचर के हवाले से इट्स नॉट अराउंड डेवलपमेंट ओनली हम हम शायद उसको थोड़ा सा um, ज़्यादा डर रहे हैं इट्स इट्स अराउंड एवरी थिंग इट्स अराउंड इकोनॉमिक यू नो डिक्लाइन ऑफ ग्लोबल ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से आपको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं यूएस में सब जगह पे आपको नज़र आता है मैं 2024 की बात करूँ मैं 2023 और 24 की बात करती हूँ हमने अपने कस्टमर्स के रेट्स नहीं बढ़ाए हम तो ये ये कहते हैं कि या इसी रेट पे भी चल जाए तो अच्छी बात है अदरवाइज़ hmm. जो है ये कस्टमर ही ना जाए हमारा बिकॉज ग्लोबल डिक्लाइन है ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से ओबियसली जो है डिमांड सप्लाई का मसला होता है बट आई डोंट थिंक इट्स जस्ट ए आई इट्स इट्स अ लॉट ऑफ हाइप अराउंड दैट आई डोंट थिंक द डेवलपर्स की डिमांड कम हुई है अगर कुछ हुई है तो बढ़ी है बढ़ी है बढ़ी है एटलीस्ट uh, जो है वो uh, यहाँ से यहाँ पर तो ऐसे पाकिस्तान में बैद हालात थोड़े डिफरेंट हैं बिकॉज ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से भी पाकिस्तानी जो कंपनीज हैं दॉट ऑफ दूज लूजिंग बिगर कस्टमर्स जो छोटी कंपनीज हैं जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसिस के साथ काम करती हैं उनको इतना नहीं फ़र्क पड़ा जितना उन कंपनीज को फ़र्क पड़ा जो एंटरप्राइज लेवल के साथ काम करती हैं राइट right. उन्होंने बहुत सारे आप अभी आप देखें ना आपके सामने है यू नो लिस्ट ऑफ़ नेम्स कंपनी ने इतने इतने डेवलपर्स निकाल दिए इतनी टीम मेम्बर्स निकाल दिए राइट

बट जैसे कि मैं अभी यूनाइटेड नेशंस की भी रिपोर्ट पढ़ रहा था वाज रीडिंग अ रिपोर्ट फ्रॉम आई एज वेल एंड देन साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने एक बड़ी डिटेल स्टडी की है ऑन द इंपैक्ट इन द टॉक अबाउट एट मिलियन जॉब्स बीइंग लॉस्ट इस पूरे सिलसिले में सो so, एक एक इशू तो आएगा बट अंडरस्टैंड लो लेवल जॉब्स में होगा और भारत <laughs> चले सो नाउ लेट्स लेट्स कम टू आपने बड़ी अच्छी बात की आपने कहा कि जी जो इंजीनियर्स की डिमांड बड़ी ही है यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की डिमांड बड़ी ही है पैसे भी बढ़े अगर आज की बात करते हैं लोकल मार्केट में या ग्लोबली भी तो ना पैसे बढ़े हैं ना न लोकल मार्केट में पैसे बढ़े हैं ना ग्लोबली पैसे बढ़े हैं मैंने आपसे कहा ना दो हज़ार तेईस चौबीस इज अयर वे यू नीड टू जस्ट ए फ्लोट रान यू नो ग्रोथ राइट right. सो so, um, uh, लेकिन डिमांड पैसे बढ़ेंगे mm -hmm. अगर जैसे ही यू नो ये ग्लोबल इन्फ्लेशन वाला सिलसिला ख़त्म होगा लेकिन 2023 से पहले डेफिनेटली बहुत इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई थी दो हज़ार के मिड तक

नाउ so पिछले साल के मिड से डिमांड ग्लोबल डिमांड हैज गॉन डाउन हमे वह अगर हम पाकिस्तान का नंबर देखते हैं तो आपको पता है कि अभी बहुत ही हमने जो है वो ढोल बाजे के साथ ये सेलिब्रेट किया 307 मिलियन डॉलर्स की हमने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की हैं uh, इस तरह के नंबर्स देख के एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर योरसेल्फ एक्साइट करता है आपको ये अभी जो नंबर आया है इट डजन एक्साइट मी सो मच बिकॉज के आई फील दैट जितनी मेहनत हमने पिछले डेढ़ um, दो साल में डेढ़ दो साल पहले जो डेढ़ दो साल थे उसमें की थी और um, uh, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर पाकिस्तान में यू नो वी वी वो एबल टू ब्रिंग इट हायर टू पॉइंट फाइव बिलियन एंड ऑल दैट और फिर जो पॉलिसी में स्टेबिलिटी आई थी और जो पॉलिसीज आईटी सेक्टर के लिए ये दो साल पहले जो दो आप बात साल पहले की बात कर करूँ um, तो जो कैश रिवॉर्ड की बात थी या right. जो इंसेंटिवाइजेशन की बात थी कि जिसमें आपको टैक्स दे वॉजन एनी टैक्स एंड ऑल दैट और उसमें और प्लस ये कि आई थिंक ओवरसीज पाकिस्तानी का भी जो ट्रस्ट आया था उसके अंदर तो यू कुड सी दैट आई टी एक्चुअली बूमिंग अभी बुरा नहीं है आई एम नॉट से बट आई एम सेंग दैट देर इज सो मच मोर पोटेंशियल कि अगर आप पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी रखें उसको ना चेंज करें गवर्नमेंट आती जाती रहती है right. अगर आपने एक रिफॉर्म बनाना है इस सेक्टर के लिए और आपको आपको लगता है कि यही सेक्टर आपको जो है वो सारी मुसीबतों से बाहर निकालेगा तो फिर आप जो पॉलिसीज इसके लिए बनाते हैं उसमें कंसिस्टेंसी रखें और उसको चलने दें रिगार्डलेस ऑफ यू नो हु द फेस इज दू नॉट वर अबाउट दैट एज लॉन्ग एज यू कीप द यू नो बट अब तो मामला 2.5 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट से मामला तो अब गिर के इंटरनेट बंद करने पर आ गए हैं अब किसी क्लाइंट ने बोला नहीं कि व्हाट्स गोइंग ऑन एंड योर कान फॉर योर इंटरनेट इज डाउन या एब्सोल्युटली आई वाज टॉकिंग अबाउट इट द वर्ल्ड इज डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट इट आई मीन आई आई हैव एग्जांपल्स ऑफ यू नो पीपल इन द इंडस्ट्री हु हैव लॉस्ट कस्टमर्स टू यू नो अदर कंट्रीज एंटरप्राइज लेवल कस्टमर्स टू अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ यू नो वट हैपन इन द लास्ट कपल ऑफ मंथस अगर आप जो है दो दो तीन तीन दिन के लिए इंटरनेट बंद रखेंगे मेरा एक बड़ा फेमस डायलॉग आ गया था वॉइस ऑफ अमेरिका अमेरिका पे कि मछली खा गई आपके इंटरनेट को तो अब आप क्या कर लेंगे <laughs> सही बात सो आई थिंक दैट हमें जो है um, जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हैं आप देखें जहाँ तक पावर का नीड है आई थिंक वी हैव बिकम सेल्फ सफिशियंट वी आर नॉट रिलाइंग ऑन पावर एनी मोर वी एज एन द इंडस्ट्री हैज बिकम सेल्फ सफिशियंट हमारे पास अपना जनरेटर है हमने सोलर लगा ली है See. हमने कहा जी हमें चाहिए ही नहीं हम अपना ही कर लेंगे बिकॉज आता ही नहीं है पावर ठीक है बट हम इंटरनेट का तो कुछ नहीं कर सकते बिल्कुल तो अब वहाँ पे तो हमारी डिपेंडेंसी है ना सो आई थिंक दैट इफ यू एक्सपेक्ट द इंडस्ट्री टू डू वंडर्स क्या ना आए आ तो जाए। ना, तो गया पाकिस्तान में, में नहीं मैंने ओ, तो नहीं सुनाई आ, आ जाएगा तो लगा लेंगे ना अब ये तो नहीं हो सकता ना के दो दिन के बाद इंटरनेट बंद हो जाए आप बैठे ना अब नॉट जस्ट दे पॉलिसी की आज छुट्टी है, right. आ, आ, आज है जी, हम लोग 2024 का कैलेंडर अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर देते हैं की ये 2024 इतनी छुट्टियाँ हमारे पास आ रही है ठीक है पाँच मंडे को छुट्टी है और थर्सडे को फिर छुट्टी है अब हम क्या करें हाउ डू वी टेल अवर कस्टमर दिस वी कस्टमर

<laughs> हो सकता है ना दैट्स दैट्स द द ऑफ बट बट आई थिंक व्हाट यू हैव सेड शमीम ये मैं वाकई सुनना चाह रहा था बिकॉज uh, इसका आई I मीन mean, इस तरह की चीजें होती रहें और उसका कोई बिजनेस इम्पैक्ट ना हो दिस समबडी थिंक्स इट डजंट अफेक्ट एनीथिंग इट्स इट्स स्टूपिड आई मीन इट्स रिडिकुलस कोई अगर इस तरह की बात जो है वो समझता है बट बार आई थिंक अच्छा एक सवाल और आता है आपने बताया जी बहुत सारे बिजनेसेस उठ के हमारे पीयर कंट्रीज चले गए एंड ऑल सो एज अ पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर who are your main competitors i mean is india is like the big big competitor out there yeah india is competing in a different uh, stadium altogether so kone mukabla kis kisata hamara is <laughs> it india bangladesh it it's hard it's hard to i mean you cannot compete with india right now you you will need ten if you need a full paced heads down ten years to even say that india is my competition okay Okay? okay आप शायद बांग्लादेश के साथ कम्पीट कर लें अगर आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लें लेकिन वही बहुत मुश्किल है कि आप बांग्लादेश के साथ भी कम्पीट ही नहीं कर सकते आप लुक एट योर यू नो वॉट यू ब्रिंग इन टू दिन टू कोई तो हमारा कोई, <laughs> कोई कोई एक मुल्क का तो नाम लें आप यमन <laughs> से मुकाबला आजकल बहुत अच्छा और है हमारा, कोई कुछ भी इस तरह नहीं सब कॉन्टिनेंट में नहीं है सब कॉन्टिनें लेकिन लेकिन इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान हैज़ वन वन ऑफ ऑफ द द बेस्ट डेवलपर माइंड सेट बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं बहुत अच्छा कोड करते हैं बहुत अच्छी कोड क्वालिटी डिलीवर करते हैं कम्पेयर टू दिस कम्पेरिजन यू कैन डू कम्पेयर टू योर नेबर्स राइट राइट कोड क्वालिटी बहुत अच्छी है रेट हमारा उनसे ज्यादा है बाय द वे अच्छा जी रेट नखरे भी हमारे हैं हैं नखरे भी हमारे और क्योंकि कोड अच्छा है और लैंग्वेज की जो है हमारे पास लैंग्वेज पे भी हमें कमाल है क्योंकि हमारा एक्सेंट उनसे बेहतर है तो अगर हमें कोई डेवलपर जो है वो यूरोप यूरोपियन कस्टमर को देते हैं या अमेरिकन कस्टमर को देते हैं हमें लैंग्वेज का बैरियर नहीं आता विच इज़ वाई वी आर बेटर ऑफ देट देट ये बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया यहाँ पे ना आपने कहा डेवलपर बड़े स्मार्ट है हमारे सो हायर करते हुए आप डिग्री देखती हैं या उसकी आ, उस लड़के की लड़के या लड़की की कैपेबिलिटी देखती हैं एक्सपीरियंस देखते हैं अगर एक्सपीरियंस ना हो तो फिर तो फिर डिग्री देखते हैं कैपेबिलिटी भी देखते हैं देखिए हमारे पास तो सो बट डिग्री इज अस बट कंपनीज बट स्टार्टेड द कोड गर्ल्स प्रोग्राम सो वन ऑफ मीन यू कैन कम टू दैट बट बिकॉज दिस इज थिंग्स दैट वी डिड हमने कहा जो अठारह साल की लड़की होगी इंटरमीडिएट होगी कोर्स कराएंगे और उसको जॉब मिलने चाहिए अब वो 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 लड़कियाँ अठारह साल की इंटरमीडिएट उन्होंने या बी कॉम या बैरवर कर लिया अब वो मार्केट में जा रही उनको जॉब्स नहीं मिल रही नहीं। बड़ी कंपनीज में जॉब्स नहीं मिल तो उन बड़ी कंपनीज के पास हम, हम ख़ुद पर्सनली पहुंच गए कि जी क्या कर रहे हैं आप लाइक नहीं।, नहीं हमारी रिक्वायरमेंट है ये हमें कहा जी आपने कहा था कि आपको खवन नहीं मिलती हैं हमने खवतानी आपको तैयार कर दी हैं अब आप कह रहे हैं कि जी हमें डिग्री तो डिग्री तो गूगल में भी नहीं होती है वो भी ले लेते हैं अब बगैर डिग्री के कॉन्ट्रैक्ट पे तो कम अज़ कम गिव देम एन अपॉर्चुनिटी सो वी ब्रॉड देम दिस फार इट्स योर रिस्पांसिबल टू टेक देम फर्दर फ्रॉम देयर तो वहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है बट हमारी कंपनी में डिग्री इज़ नॉट रिक्वायरमेंट लेकिन ये है कि आपको टूल आना चाहिए एंड यू शुड बी स्मार्ट सो ओबली वी हैव आर ओन इंटरनल टेक्निकल टेस्ट टेक्निकल इंटरव्यूज़ हम इंटरमीडियट को भी रख लेते हैं दैट पर्सन इज़ रियली गुड इफ आई रिमेंबर करेक्टली वन ऑफ आवर फिफ्टीन ईयर्स नाउ वॉज एन इंटरमीडियट वन ही ज्वाइन दस अब पता नहीं उसने डिग्री कर ली कि नहीं कर ली मुझे पता नहीं है बट ही इज अमेजिंग मैटर उसके पास एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा ही इज अमेजिंग इस वक्त हमारे डेटा बेस के जो आर्किटेक्चुरस हैं वो उसकी नज़र से गुजरे बगैर निकलते ही नहीं हैं

अगर कोई और कर लेता तो मैं नहीं करती <laughs> और लोग कर रहे थे नहीं कर रहे थे बट दे वॉन्ट सो लेट लेट स्टार्ट दिग्निंग द बिगनिंग सो 2018 में um, जो है 2018 से पहले मेरी अपनी कंपनी का जो जेंडर डाइवर्सिटी रेशियो था वो बिलो 10 परसेंट था विच वॉज अमेजिंग बिकॉज आई बींग वुमेन एंड अ एक सौ लड़कियाँ uh, uh, अच्छा right, well. right? <laughs> <शायद laughs> जो है अगर यू नो बोर्ड में कोई खातून हो तो लेकिन फिर भी हमारे पास लड़कियाँ जो है, <laughs> है हाँ आ, वो बहुत ही कम आती थी और अगर आती थी तो वो बहुत जल्दी जो है <laughs> So um, then I checked with the industry, and the industry had the same issue that 10% says to hai And 48.6% of your uh, population is women, right? Or more than that now. Right. Um, so, um opportunity an opportunity in 2018. One of my um, customers saw an interview, uh, my interview, or an article, something in, 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 a, in a paper. And he reached out to me and he said and you are very self made women, and you started off, and you got married, and then you did a diploma, and, you know, uske mm baad tumne company bhi khol you aur tumhari itni badi 50-60 loon ki company, usko uh, 50-60 loon ki Or, you know, you, you're earning. How can we make more women like you? And I said, how many do you want to make? And he said, 100. Mm -hmm. And I said, theek hai, kar lete hain. Aur client bahar se US, US, US customer. US. He had been working with me for around 10 years, okay. so he knew me, so the trust was already there. Right. We'd been building their software. Sorry. उन्होंने कहा जी दिस oh. <laughs> न्यू शक नहीं था दिस वन न्यू तो उन्होंने जो है वो uh, मुझे कहा कि ठीक है सौ बच्चे यहाँ ट्रेन करते हैं और आप बताएं पैसे कितने लेंगी ना एट दैट पॉइंट ऑन दैट कॉल आई वाज लाइक अच्छा मैं मैं उसको कॉल को रख दूंगी ना तो ये जो एक मोमेंट है ना ये oh, चला जाएगा बिकॉज right. ये तो उनको जज्बात में अभी आ गए हैं बोल रहे हैं कमिटमेंट ले लेते हैं अभी तो एन आई वॉज इन सियाटल बिल्कुल आई वॉज लाइक नाइन्टी डॉलर्स A girl, a girl okay. uh, for three months training, mm -hmm. and he was like done. I was like okay, and uh, I think the next call I made was to my other partner who had a good network, a Pfizer, and I told her that yeah, was like definitely. I was like let's write a proposal and send this, send it to this guy and mm -hmm. let's lock mm -hmm. this. सो दैट्स हाव वी स्टार्टिड ऑफ बट अगर उस उस ज़माने में ना कुछ ऑर्गनाइजेशन भी थी तो खवतिन की ट्रेनिंग पे काम करें थी टेक में हम चाहते थे कि वो ये काम करें बिकॉज वन ऑफ़ द मोटो ऑफ कोर्ट गर्ल्स एन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन वॉज फोर द इंडस्ट्री बाय द इंडस्ट्री बाय द इंडस्ट्री वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप बाय द इंडस्ट्री नहीं करेंगे तो दे विल नॉट बी प्लगड इन टू द इंडस्ट्री प्रॉपर्ली क्योंकि उनको ये नहीं पता होगा कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए सो वी ट्राइड विद सम ऑर्गेनाइजेशन एट दैट टाइम कि यार आप ये काम कर लो हम आपको सपोर्ट कर देंगे ठीक बिकॉज दिस इज़ नॉट माय जॉब दिस इज़ नॉट व्हाट आई डू मैं ट्रेनिंग उस ज़माने में छोड़ दी थी हमने mm -hmm. हम सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे थे बट आई कंड फाइन समबडीज हु दे आई वॉन्टेड इट राइट तो फिर हमने खुद स्टार्ट कर दिया दो में हमने uh, हमारे पास सौ बच्चियों के uh, का कमिटमेंट था हमने कुछ दो कर ली yeah. और हमने पैसे भी उनसे उन्हीं से, से निकलवाए नब्बे डॉर नहीं नहीं उन, साले उन पैसे उन्हीं से निकलवाए सो नाउ टुडे वी चार्ज हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव डॉलर फोर्टी फिफ्टी थाउजेंड रुपीज फॉर वन गर्ल्स ट्रेनिंग और uh, हम तकरीबन साल के तीन सौ चार सौ लड़कियाँ भी ट्रेन अभी तक हमने स्टार्ट ऑफ कराची में हुआ था सो so, जो बेसिक फेज होता है वो तो हैंड्स ऑन होता है वो कराची में हुआ था बट अब हम लोग स्कर्दू में भी करा रहे हैं वी ऑलरेडी ग्रेजुएटेड व हंड्रेड गर्ल्ज इन स्कर्दू लास्ट ईयर वी प्लान टू डू अनादर हंड्रेड दिस ईयर वी ऑल्सो स्टार्ट जस्ट अ वीक बैक इन केप टाउन साउथ अफ्रीका सो वी डूइंग विद डेट कम्युनिटी आई हैव अ लॉट ऑफ पैशन टू डू दिस इन जाम श्योर नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स बट फॉर बॉयज़ ऑल्सो But I'm looking for the right um, investor partner or right, you know, sponsor All right. partner. Do so you still have that sponsor? who Yes, <laughs> <you laughs> he, he, he is, is now, he's our partner in the program. So we are three partners. Right. So he's, he is, um, that's him, myself and Pfizer. We are three partners in this program. And for that that gentleman, that's a CSR activity? It's a CSR. It's, it's, it's a CSR for us as well. So you don't make any money. We on don't us. make any yeah. money. So much? don't call CSR this is a no profit, no loss for me. Right. This is not like something mm. that's going out of my pocket, except Jee. for the part that um, genetic invests in in this. We look after technology. We look after you know making sure that girls get infrastructure. Right. So that part. Otherwise, it's a no, no profit, no loss for all three partners. And and इतने been से बाप Do you follow up as well? good oh, job लड़कियां

250 डॉलर्स पर गर्ल इन्वेस्टमेंट पे अगर उस लड़की को जॉब मिल जाती है तो शी इज़ अर्निंग अराउंड फिफ्टीन थाउजेंड और फोर्टीन थाउजेंड डॉलर्स ईयर और समथिंग नॉट एग्जैक्टली श्योर या चौदह लाख या पंद्रह लाख समथिंग लाइक दैट अ ईयर उसकी एवरेज सैलरी होती है एंड दैट एक्चुअली इगनाइट्स बिकॉज ग्यारह सौ बच्चियाँ प्रोग्राम में से निकली हैं ठीक है ठीके? ग्यारह ट्रेनिंग्स हमने कराई right. so, हैं छः सौ बच्चियों को ठीक टोटल ट्रेनिंग्स ग्यारह सौ करवाई हैं क्योंकि कुछ लड़कियां फ़ेज़ वन से फेज़ टू जाती हैं फेज़ टू से फेज़ थ्री जाती हैं कुछ दो फेज़ टू के ट्रैक्स करती हैं सो सिक्स हंड्रेड फिफ्टी गर्ल्स आउट ऑफ दैट वी हैव दैन लेवन हंड्रेड ट्रेनिंग्स ये जो छः लड़कियां निकली हैं उसमें से अगर आप उन बच्चियों को निकाल दें जो जॉब करने आई ही नहीं थी वो ये करने आई थी कि जब यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो हमें ये हेल्प करेगा इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग कुछ ऐसी थी जो ये कह थी कि हम मदर्स हैं और हम अपने बच्चों को जो है वो मैथ साइंस पढ़ा सकते हैं कंप्यूटर्स नहीं पढ़ा सकते सो वी वो न लर्न है आई थिंक दैट्स अ यू नो थाट सो वी ऑल्सो टेक सो इफ यू टेक दैम आउट हमारा जो इस वक्त कन्वर्जन फ्राम आफ्टर द लर्न टू जॉब रेशो है वो सिक्सटी सिक्स परसेंट है विच इज़ अमेजिंग राइट एंड वी हैव हैड सो वी हैस स्टोरीज इन अवर दिस इयर्स कन्वेंशन बिकॉज इस साल हमने 5 साल पूरे किए So we called into there was this one girl, uh intermediate was M B B S M wali thi. And Code Girls totally changed her vision. Uh, she got um, she worked with me for year for a year as mm -hmm. in, in CSR computer um, sorry customer support. And then she went to Sadape. And right now she's in Sadape and she she's, she's doing amazing. She's uh, I think she is um, I think in customer success only, but she's amazingly

लेकिन उसने कहा कि जी मैं टीआर वन यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ लेकिन मुझे वो एक्सपोजर नहीं मिलता था जो मुझे कोर्ट गर्ल्स में आके मिला हैंड्स ऑन एंड देन यू नो और कोर्ट गर्ल्स ने ना सिर्फ मुझे ये सिखाया कि जो है वो टेक्नोलॉजी uh, कैसे लिखी जाती है कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है कैसे एज अ टीम काम किया जाता है कैसे प्रेशर uh, में काम किया जाता है बल्कि ये भी सिखाया कि नगोशिएट कैसे करते हैं तो right. so, मैंने अपनी पहली जॉब में निगोशिएट भी किया एंड इट एक्चुअली आई एक्चुअली गोरव आई लाइड अ वेरी गुड जॉब सो आई थिंक दी दक्सेस स्टोरीज आपको बहुत इंस्पायर करती हैं mm -hmm. आप कहते हैं कि यू नो आई मीन शमीम लड़कियाँ अगर ये पॉडकास्ट सुन रही होंगी देख रही होंगी सो हाउ टू अप्लाई फॉर कोर्ट गर्ल्स क्या होता है कोई वेबसाइट है कैसे होगा सिलसिला सो so हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट कोर्ट गर्ल्स सी ओ डी ई जी आई आर एल एस डॉट प्रो पी आर ओ ठीक है उस पर जाएँ वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे यू कैन लुक एट दोज कोर्सेज यू कैन अप्लाई टू कोर्सेज यू कैन कैनसो गिव दम प्रोग्राम मानचर कॉल बट यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फ्राम दैम दैम एज वेल हमारे पूरे साल डिफरेंट कोर्स चलते रहते हैं इज अ बेसिक फेज एवरीबडी कैन बी पार्ट ऑफ द बेसिक फेज यू जस्ट हैव टू बी एटीन यू हैव टू बी इंटरमीडिएट एंड यू हैव टू नो बेसिक मैथ्स एंड इंग्लिश टू बी एबल टू अप्लाई जब आप फेज़ वन कर लेंगे जो कि आपको सिर्फ एस टी एम एल सी एस एस और जवाब स्क्रिप्ट सिखाता है तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि मुझे एक्चुअली आगे mm. जाना है या नहीं जाना so, सही और अगर जाना है तो अब किस ट्रैक में जाना बिकॉज देर सो मेनी डिफरेंट ट्रैक्स आई टी इज जस्ट सो वाइड राइट सो देर इज बैक एंड डेवलपमेंट फ्रंट एंड डेवलपमेंट बिकिंग फुल स्टैक मोबाइल डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी इश्योरेंस डिज़ाइनर यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइंस कॉन्टेंट राइटिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं आजकल बच्चियाँ सेल्स फोर्स भी कर रही हैं हमारे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट डाइनमिक पे भी काम कर रही है, वो सीख रही है उसको तो यू नो वर्ड प्रेस वर्ड प्रेस इज सो फेमस राइट सो एंड इट्स सो इजी तो वो आप सीख लें डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू इंजॉय ऑन कैंपस

नहीं।, <laughs> नहीं नहीं <laughs> <laughs> नहीं सो आई हैव ऑलवेज सो आई हैव बीन टू डू दिस इन लाहौर इस्लामाबाद अलॉट बिकॉज वो टी वन सिटीज़ है मेरा हमेशा से ये राय है कि यार टी वन में तो हो जाएगा टी टू या टी थ्री लेट्स गो देयर सो मुझे मेरे कुछ uh, दोस्त कहते हैं कि जी आसान काम तो करना ही नहीं है ना right. तो थोड़ा सा मुश्किल है यार आप, आप एक कॉज के लिए कर रहे हो ना पैसे तो नहीं आ रहे थोड़े जेर तो चले आएंगे क्या फ़र्क पड़ेगा कॉस्ट तो अच्छी है सो आई थिंक स्कर्डू दू अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज एलिमेंट फॉर मी आई वेंट कपल ऑफ वैंड अमेजिंग प्लेस अमेजिंग पीपल आई थिंक ऑलमोस्ट लिटरेसी अंग्रेजी बहुत अच्छी है हमसे कहीं ज्यादा अच्छी है वेरी हार्ड वर्किंग वेरी लॉयल आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू हैव समथिंग लाइक दिस सिमिलरली शोरो बाय द वे दिसमिलरलीयर थ्री आपको अंग्रेजी थोड़ी सी आपको उनके एक्सेंट का मसला होगा अदरवाइज वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी लॉयल टू यू तो आई थॉट कि वहाँ करना चाहिए काम एंड माई माई मेजर स्पॉन्सर ऑल्सो वॉन्टेड टू डू इट दाइट हमारा एक कोड गर्ल्स को कहीं पर भी लेके जाने का मंत्रा ये है कि जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पे वहाँ पे कोई कंपनी होनी चाहिए जो इसको ओन करेगी सो वहाँ पे हमने एक लोकल कंपनी आई टी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की और हमने कहा जी आपके ट्रेनर्स जो हैं ये पढ़ाएंगे बिकॉज हमें ट्रेनर्स हायर नहीं करने ट्रेनर्स वी कैन नॉट से कि जी नाइन टू सिक्स एक ट्रेनर यहाँ बैठा रहे ऐसा नहीं होना चाहिए उस ट्रेनर को कम से कम तीन साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए okay. वो अभी भी काम कर रहा हो साथ में वो ये पढ़ा पढ़ा भी रहा ठीक है शमीम वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिस्कशन और uh, मैं पाकिस्तानी लड़कियों के हवाले से खास तौर से बात करूँगा बिकॉज आपको जब वो बोलते हुए देख रही होंगी तो उन्हें कॉन्फिडेंस भी आता होगा कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड से भी आप जो है वो माशाल्लाह यू कैन बिकम दी ओनर ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस एंड स्टफ हमारी लड़कियां Are in आपने कोई एक जनरल आपकी ऑब्जर्वेशन है उनके हवाले से कि बेटा ये दो तीन चीजें अपने अंदर पैदा करो बिकॉज हमारी जो पाकिस्तानी गर्ल्स हैं दे आर लैकिंग इन दे स्मार्ट गर्ल्स नो डाउट अबाउट दैट बट ये दो तीन चीजें हैं जिसमें यू आर इन जनरल लैकिंग एज अ ग्रुप कुछ है इस तरह की आपकी ऑब्जर्वेशन हाँ, तीन चीजें नंबर वन आलसी बहुत है क्या है आलसी बहुत हैं ओके Uh, मतलब ख़वान को हमारे बनाया इस तरह गया ऐसा हमें लगता है हम आलसी नहीं है बड़ा घर में बड़ा काम करते हैं बिल्कुल करते हैं लेकिन आप मैं आलसी इसलिए कह रही हूँ कि जो है जब आप बाहर आते हैं ना तो फिर बिकॉज यू आर नॉट मैंट फॉर यू यू थिंक दैट यू आर नॉट मैंट फॉर दट इको सिस्टम बिकॉज आपको घर में कहा है बेटा आप तो बहुत नाजुक सी हैं और आप जो है बड़ा अपना ख्याल रखें और आप ये ये भाई कर लेगा ये अब्बा कर लेंगे आप आपने नहीं बिजली का बिल भाई भर के आ जाएगा तो में आदमी चेंज जी वही कर रहे ठीक है सो so, अगर आप ये कहती हैं कि जी आई एम द वुमन ऑफ टमोरो आई वॉन्ट टू बी यू नो समी देन यू हैव टू लेट ऑल ऑफ दिस गो यू कान से जी यू नो आई एम गोइंग टू हैव द के इट टू राइट तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा अगर आप कह रही हैं कि जी आप यू नो यू नो इक्वल पे आई वॉन्ट टू बी एन इक्वलाइजर देन स्टेप अप राइट आप ये तो ना कहें ना कि कहे भाई मैं मैम आज मैं कैसे आ सकती हूँ आज तो ये हो गया आज तो फलाना हो गया सो आई थिंक दैट थिंक अंडरस्टैंड दैट आपको अगर इफ यू रियली वॉन्ट टू मेक अ नेम इन द इको सिस्टम मतलब यू हैव टू लेट ऑल ऑफ दिस गो आई रिमेंबर दैट आई थिंक थ्री ईयर्स इन टू माई बिजनेस मैं शायद ईद को ईद की रात को सुबह चार बजे तक ऑफिस में बैठी हुई थी बिकॉज वी हैर अ डेड लाइन वी वर कमिटेड टू डिलीवर दैट So we went at 4 a.m. in the morning eid So you have to make sure that your family understands that. Yes. I think that's one confidence. Um, I can do this. Hmm. I can do this. It's going to be hard. It's not easy because हवातीन a generally. So play with your um uh, strong areas and uh, you know groom them. Right. So you can do this. Right. एंड आई थिंक तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि अगर दैस इज मोर फोर पेरेंट्स कि इफ़ यू थिंक दैट यू रियली वॉन्ट योर डॉटर और योर बहू और योर वाइफ टू गो आउट देयर देन बी सपोर्टिव ऑफ देम ये नहीं आप कह सकते कि हाँ आप ये कर तो सकती हैं लेकिन इस बाउंड्री के अंदर कर सकती हैं इससे बाहर नहीं आपने वेन आई सी बाउंड्री आई डोंट मीन बाउंड्री ऑफ यू नो अखलाक वो तो आपकी अपनी होती है ठीक है

ट्वेंटी परसेंट खात है राइट तो बट यू कैन प्ले विद योर स्ट्रेंथ पेरेंट्स जो है ना वो देनी टू सोट ऑफ लाइक टेक अ बैक स्टेप एंड लेट द मुझे क्योंकि मुझे मुझे इसलिए हंसी आती है कि कभी कभी हमारे पेरेंट्स जो है हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते फिर एक्सपेक्टेशन उनकी वही होती है आई होप माई इज़ नॉट लिस्निंग टू दिस बट वेन आई वॉज वेरी यंग और हमारे घर में बहुत कंजर्वेटिव माहौल होता था तो वी वॉन्ट अलाउ टू यू नो टॉक टू अबास फ्रेंड्स फ्राम द बैंक और यू नो स्टफ़ लाइक दैट वो बहुत वो बहुत केयरफुल होते थे तो एक दफ़ा ना उन्होंने अपने किसी कलीग को फ़ोन किया उनके घर पे तो उनकी बेटी ने फ़ोन उठाया तो वो बेटी जो थी ना उनकी वो हमारी क्लास फेलो थी तो अब्बा ने जब उससे बात की उसने बड़ी कॉन्फिडेंटली अब्बा से कहा कि हाँ जी वो अभी शावल ले रहे हैं वो आप मुझे बताएं तो अब्बा ने उसको बताया उसने बड़े खुश ना वो फ़ोन रख के मुझसे करें इसको देखा है तुमने कितनी <laughs> कॉन्फिडेंटली बात कर रही है Sigh. और तुम लोगों से तो मुंह में से अलवाज नहीं निकलते oh. किसी का फोन आ जाए तो दैट मोमेंट यू नो टॉट मी यू नो एक्सपेक्टेशन तो हमारी होती है बट हम वो उनको एनवायरनमेंट नहीं देते वो ग्रूम होने का एंड वी डोंट इवन रियलाइज एस पेरेंट्स सो दैट इज लर्न फॉर माई ओन चिल्ड्रेन राइट सो अबू को बोला क्या आप सीखें पहले

वाकई एक घंटा गुजर गया ऐसी बात करते करते पता भी नहीं चला बट योर योर स्टोरी इज़ वेरी नाइस और मुझे बहुत मज़ा आया और कीप सर्विंग पाकिस्तान और uh, दुआ ये है कि अमेरिका के बाद कनाडा उसके बाद यूके एंड देन नॉर्वे स्वीडन दुनिया भर में आपके बिजनेसेस हों दुआएं आपके so साथ हैंजा जी थैंक यू सो मच सो दैट वजीम राजनीप आप लोगों ने इस गुफ्तु को इंजॉय किया होगा स्पेशली आई टुक दिस थिंग टू द विमेन परसपेक्टिव ऑफ हेडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री एंड ऑल बिकॉज जो बात मैंने शुरू में कही थी वही बात मैं यहाँ बोलूंगा बहुत शरीफ सी मासूम सी इंडस्ट्री होती है सॉफ्टवेयर की कोई कैपिटल नहीं चाहिए होता है कोई प्रेफरेंशियल बिजली या गैस के रेट्स नहीं चाहिए होते इनको एक कंप्यूटर चाहिए, चाहिए होता है और एक ह्यूमन ब्रेन चाहिए होता है एंड यू यू गो थैंक सो मच वॉचिंग इन शाह एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेजबान अदील अजर आपकी खिमत में हाजिर होगा इन शाह गुड बाय गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़